करते हैं, थोड़ा आपका भय और खतरा कम हो गया है। इसी मार रहे हैं। हाँ नहीं, जिसको दिक्कत हो भाई मास्क पहन कर बैठे, रो तो नहीं आ जाएगा। अगर कोई चाहता है कहीं तो मास्क पहन कर बैठ सकता है, कोई रोक नहीं क्लास में। अब ना वो बांधे रहिए पूरा, आपका कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैंने बैठ सकते हैं वो बात के मास्क पहन। ठीक है, आपका अनुच्छेद 224 228 सब सुन के थे, पर इधर समाप्त हो जाए तब आपका 226 227 और आपका पार्टी एक साथ पढ़ा जाए, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन आपका करना है। तो पहले इधर समाप्त कर दिया जाए, इधर से भी आपका क्वेश्चन बन रहा है, जो भी कारण हो आपका UPHS ने भी इधर से क्वेश्चन बनाया और बिहार भी आपका देखा देखी, यानी कि आपका उस सुनी सुनाई बातों के आधार पर बिहार ने भी क्वेश्चन बना लिया। तो सतर्क रहना है, जो इधर अनुच्छेद चल रहे हैं 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को ट्रांसफर या अंतरण। लेकिन सबसे पहले जहाँ जहाँ अंतरण या ट्रांसफर का प्रावधान है पहले वो कोऑर्डिनेट करना है, और तब हमें संविधान का अनुच्छेद 228 पढ़ना है, उसको लिख लीजिए भाई। आपका उच्चतम न्यायालय, अभी 228 नहीं चल रहा है, पहले कोऑर्डिनेशन होगा उसके बाद 228 चलेगा। देखिए, उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 143 ए के तहत, कई बार कंपटीशन में आ चुका है, उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 139 ए कैपिटल लिखिएगा, नया अनुच्छेद है, अनुच्छेद 143 ए के तहत मामलों का अंतरण करता है, मामलों का अंतरण करता है। देखिए बिहार में भी बनाया था, लोग गलत करते आए, अरे आप बिहार न पहुंचे। अंतरण के लिए कौन कॉम्पिटेंट या सक्षम है, किस धारा में बताया गया है, तो आपका कौन प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, ये की धारा 6, और कौन व्यक्ति ट्रांसफर करने में कॉम्पिटेंट है, टीपीए की धारा 7। तो यही पूछा गया था, वो गलत करके आ गए, जबकि लगातार बताया जा रहा था कि अंतरण के लिए सक्षम कौन होगा, आपका टीपीए की सेक्शन किससे कवर होगा, इसी में दे दिया। संविदा के लिए दो क्वेश्चन बना था, संविदा के लिए कौन सक्षम है, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितने वर्ष का व्यक्ति सक्षम है, 18। तो कई लोग ये सोचे कि नहीं लड़का लड़की अंतर आ गया, तो कई लोग मार कर आ गए लड़के के लिए 18 और लड़की के लिए 21, आपका अलग अलग भारी करा गए कि 18। भाई विवाह थोड़े कराया जा रहा है, संविदा कराया जा रहा है कि विवाह, तो संविदा में 18 दो क्वेश्चन आपका पूछा गया। अगला देखिए भाई, तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय मामलों का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तक ट्रांसफर करता है, तो वह अनुच्छेद याद होकर रट कर जाइएगा 139। अब सिविल मामलों का ट्रांसफर सीपीसी में जाएगा और क्रिमिनल मामलों का ट्रांसफर सीआरपीसी में, और आपका और हाई कोर्ट के लिए अलग बनाई है 228 पढ़ाएंगे, तो लिखिए सीपीसी। सीपीसी की धारा 24 के तहत, पांच क्वेश्चन एक साथ तैयार करने हैं, सीपीसी की धारा 24 के तहत उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय सिविल मामलों का अंतरण करते हैं, दो न्यायालय कौन कौन, हाई कोर्ट और डीजे। देखिए, उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय सिविल मामलों का अंतरण करते हैं, भाई यूपीजे में आ चुका है, कौन न्यायालय फिर याद रखिए एक बार, कौन कौन न्यायालय है, हाई कोर्ट और डीजे का न्यायालय, कौन सी धारा है सीपीसी की, 20।
इसलिए सीपीसी की धारा 25 के तहत सीपीसी की धारा 25 के तहत 25 के तहत उच्चतम न्यायालय सिविल मामलों का ट्रांसफर करता है। उच्चतम न्यायालय सिविल मामलों का ट्रांसफर यानी कि अंतरण करता है। ये भी याद रखना है, अब क्रिमिनल मामलों का ट्रांसफर करा दीजिए तो सीआरपीसी में यूपी में आई होगा एनजीओ में 406, 407 और 403 धाराएं सीआरपीसी की एक साथ पढ़ना है। देखिए सीआरपीसी की धारा 406 के तहत 406 सीआरपीसी की धारा 406 के तहत उच्चतम न्यायालय यूपी जन में मिलाने के लिए आया है। उच्चतम न्यायालय आपराधिक मामलों का अंतरण करता है, क्रिमिनल मैटर का, सिविल नहीं, किस मर्डर का, क्रिमिनल। अगला लिखिए सीआरपीसी की धारा 407 के तहत सीआरपीसी की धारा 407 के तहत उच्च न्यायालय आपराधिक मामलों का अंतरण करता है यानी कि क्रिमिनल मामलों का ट्रांसफर करता है। ये क्रम से याद रखिएगा, 406 कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, 407 हाई कोर्ट। अब इसके बाद कोर्ट आ जाता है, कोर्ट ऑफ सेशन तो भी लिखिए। सत्र न्यायालय सीआरपीसी की धारा 408 के तहत सत्र न्यायालय सीआरपीसी की धारा 408 के तहत मामलों का अंतरण करता है। जब हाई कोर्ट में आ जाए देखिए उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद, उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 228 के तहत जो है उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 228 के तहत कुछ मामलों का अंतरण करता है। अब देखिए आपका बेयर एक्ट का पढ़ाना चाहिए। देखिए भाई बेयर एक्ट की भाषा, यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है तो समाधान का मतलब हुआ विश्वास, विश्वास का मतलब बिलीव। तो बताइए अभी बिहार में अभी हमने बताया कि राष्ट्रपति को कैसे समाधान होगा कि राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक तंत्र फेल मार गया है, कौन रिपोर्ट देगा तो संविधान समय राष्ट्रपति को समाधान या विश्वास होगा। गौर तो यहाँ देखिए कैसी, यहाँ किसको विश्वास हो रहा है, उच्च न्यायालय। देखिए यदि उच्च न्यायालय को का यह समाधान हो जाता है, उसे बिलीव हो जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में यानी कि उस राज्य के किसी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट यानी कि लोअर कोर्ट में लंबित किसी मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित है यानी कि सब्टेंसिव क्वेश्चन आपका अंतर्वलित है, मतलब कि इनहेरेंट है, समाहित है, जिसका अवधारण मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है तो वह उस मामले को अपने पास मना ले। तो उच्च न्यायालय किसी मामले को लोअर कोर्ट से क्या कर सकता है, अपने पास मना सकता है। अब देखिए अब मामला आपका पास मना लिया तो क्या करें,
तो पहला तोहफा है मामले का स्वयं निपटारा कर ले, यानी स्वयं ही उस मामले में क्या दे दे सुनवाई करके फैसला। दूसरा, उक्त विधि के प्रश्न का उदाहरण कर सकेगा और उस मामले को ऐसे प्रश्न पर निर्णय की प्रतिदीप सहित उस न्यायालय को जिसमें मामला इस प्रकार मना लिया गया है लौटा सकेगा और उक्त न्यायालय उसके प्राप्त होने पर उस मामले को ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटाने के लिए आगे कार्रवाई करे, यानी उच्च न्यायालय सुनवाई करे, सुनवाई के बाद उस प्रश्न का निर्धारण करे और फिर आपका जहाँ से मामला मंगाया था उसी न्यायालय को मामला क्या कर दे लौटा दे और न्यायालय को दिशा निर्देश दे दे अधीनस्थ को इस अनुसार अपना फैसला सुनाए। यह एक क्वेश्चन बन सकता है जब पुनः उस न्यायालय को लौटाया जाता है मामला तो इसको एक नाम देते हैं रिमांड। याद रखिए रिमांड का मतलब हुआ प्रतिप्रेषण, यानी कि जहाँ से मामला आया है उसी न्यायालय को पुनः मामला क्या करना प्रेषित। तो रिमांड आपका पूछा भी गया था बिहार में तो आपका रिमांड के लिए मुख्य रूप से सीआरपीसी में दो प्रावधान है और एक आपका है कह सकते हैं 167 और दूसरा 309। कौन सी कानून सीआरपीसी में आपका पूछा गया था फिर एक बार मैं बता दूँ। अगर किसी मामले में 10 वर्ष से कम का दंड है तो पुलिस को चाहिए कि अन्वेषण 60 दिन में पूरा कर, और अगर किसी मामले में कितना दंड हो 10 वर्ष या उससे अधिक या मृत्युदंड आजीवन कारावास तो अन्वेषण कितने दिन में पुलिस को चाहिए बात नहीं 90, और अगर नहीं होता तो अभियुक्त अगर जेल में है इस दौरान तो उसे जमानत पाने का क्या होगा बदला। जमानती मामले में भी अधिकार होगा, किसी को इंटरव्यू में पूछा जाता है डिफॉल्ट में, डिफॉल्ट में मतलब व्यतिक्रम के कारण जमानत, चूक के कारण जमानत। तो कई लोग यहाँ भी आपका 45 दिन में देखा हमारे पे 45 दिन, अरे भाई 60-90 से क्या करिए, ये तो लगातार बताया गया था इंटरव्यू में। जो लोग पुराने लोग हम नए लोग भले ना पकड़ पाए हो लेकिन पुराने लोग तो भाई एक क्वेश्चन गलती शब्द नहीं मैं बता रहा। अगला देखिए भाई आपका 229 उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा वह उच्च न्यायालय के जो अधिकारी होंगे सेवक होंगे उनकी नियुक्ति कौन करता है तो उनकी नियुक्ति उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा की जाएगी, यानी कि हाई कोर्ट के सीजे द्वारा या सीजे किसी अन्य हाई कोर्ट मैंने उसी हाई कोर्ट के किसी अन्य जज को ऑथराइज कर सकते हैं या किसी प्राधिकारी को भी नियुक्त कर सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रार नियुक्त कर दिए जाते हैं, अपॉइंटमेंट वाला रजिस्ट्रार अलग नियुक्त कर दिया जाता है, वह अपना कर सकते हैं परीक्षा ले इत्यादि काम करे और हाई कोर्ट में कर्मचारी और सेवक क्या करे। परंतु उस राज्य का राज्यपाल नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं दशाओं में जो नियम में निर्दिष्ट की जाए किसी ऐसे व्यक्ति को जो पहले से ही न्यायालय से संलग्न नहीं है न्यायालय से संबंधित किसी पद पर राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श करने पर ही नियुक्त किया जाए, यानी कि राज्यपाल चाहे तो रूल बना सकता है कि हाई कोर्ट में इस पद पर जो व्यक्ति नियुक्त होगा आपका लोक सेवा आयोग से क्या किया जाए परामर्श लेकर और क्या किया जाए। इसके बाद आपका ये जो हाई कोर्ट के मैंने अधिकारी होते हैं कर्मचारी इनके पेंशन और वेतन दोनों ये राज्य की संचित दिन से मिलते हैं। याद रखिए किससे मिलते हैं अनुच्छेद 230 आई 230 और 231 मैं आपको बता चुका था पहले
आपका फिफ्थ फोर चेक करिए, आपका अनुच्छेद 214 पढ़ना है, फिर 230 पढ़ना है और फिर अनुच्छेद कौन पढ़ना है 230, यानी कि फिर एक बार बता दिया जाए, तीन अनुच्छेद एक साथ पढ़ने और 232 निश्चित है और 200 अनुच्छेद 37 से लोअर जो भी सही शुरू होगी, तो पहले ये दोनों अनुच्छेद बता दिया जाएगा। देखिए आपको बताया गया था कि अनुच्छेद 214 या 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय हो। अब राज्य अधिक है भारत में और उच्च न्यायालय कम है, तो तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए कि ऐसा क्यों है, जबकि अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा। तो इसके लिए तुरंत जब भी अनुच्छेद कौन पढ़िए 214, तुरंत कौन सा अनुच्छेद पढ़ना है दो, कौन कौन 230 और 231। ध्यान से देखिए 230 क्या कहता है, उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार, यानी कि जो यूनियन टेरिटरी है अर्थात जो केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश है, उस पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार किया जा सकता है, तो कौन कर सकते हैं संसद। बस इतना ही, संसद कानून बनाकर यानी कि विधि बनाकर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार किसी संघ शासित प्रदेश पर कर सकती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ज्यादातर संघ शासित प्रदेशों में हाई कोर्ट नहीं है, जो राज्य के हाई कोर्ट है वही हाई कोर्ट उनके लिए भी काम करते हैं, जो कहाँ के उच्च न्यायालय है राज्य। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा ऐसा बना भी है, कौन सा ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय, तो एक दिल्ली हो गया और एक जम्मू कश्मीर भी हो गया, क्योंकि अब राज्य नहीं रहा, क्या बन गया है केंद्र शासित प्रदेश। यह ना कर दिया किसका है अपना हाई कोर्ट, दो का हो सकता है, पूछी में कोई भरोसा तोड़े। आइए 200 देखा जाए, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, अगला नियम देखिए अनुच्छेद आपका 231, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। कोई तो उदाहरण बताइए जहाँ की दो राज्य है लेकिन उनके उच्च न्यायालय एक है, गोवा है, हरियाणा और पंजाब, और दोनों के उच्च न्यायालय कहाँ है, चंडीगढ़। आपके दिमाग में ये सोचना चाहिए कि ये कैसे हो गया भाई, ये हो सकता है इस आर्टिकल में प्रावधान है, आर्टिकल 231 इसमें 221 पढ़ाना पड़ेगा, पहला देखिए भाई, इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात भी होते हुए यानी कि अनुच्छेद 214 में चाहे कुछ भी लिखा गया उससे मतलब नहीं है, ये प्रावधान क्या होगा लागू, यानी कि एक बिहारी सबसे भारी, तो उसी प्रकार अनुच्छेद 231 के प्रावधान आपका कर सकते हैं कि भले पहले अनुच्छेदों में कुछ भी लिखा गया हो ये सब पर प्रिवेल करें अभिभावी होगा, जैसे कि एक बिहारी क्या सबसे भारी, और आपका बिहार कई लोग बताते हैं, कई लोग अभी तो नहीं आ रहे आ जाएंगे दो चार दिन में, दो बिहारी तो करे मारा मारी और तीन बिहारी तो ट्रेन क्या हमारी, ये भाई किसी को मिला ना लगे, कई लोग बिहार क्या 40-50% लोग भाई कोचिंग में लगता है बिहार के पढ़ते हैं, और आपका किसी को बुरा न, ये उदाहरण दिए जाते हैं यानी कि दिल पर नहीं लेना है, एक कान से सुनना है और दूसरे कान से क्या कर देना है, और जो दिल पर ले लिया फिर कोचिंग नहीं जाता।
और वही आपका गलती होती है। हम 6395 रिसर्च स्कॉलर की खेल मार गए हैं, जाने पूछिए हमें एक है जो बताए कि हम 6395 खूब रटवाए थे और कहीं बता नहीं दिया, और दो चार लोगों का जब गलत हुआ तो कहाँ मोह छुपाएं। तब धीरे धीरे आवाज से शरणागत हो गए, धीरे धीरे फोन कर रहे कि हम भी आए, हम भी आए। तो आइए कौन लोग का अब धीरे धीरे इलाज किया जाए, अभी तक तो कम लोग को इलाज ही किया जा रहा है। क्योंकि आपका 231 पेरेंट का देखिए पूरा अच्छे से इसको जानिए। इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद के द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ शासित राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सके, या तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, या दो से अधिक राज्यों के लिए और कुछ संघ शासित प्रदेश के लिए सबके लिए कितने उच्च न्यायालय, एक कौन यह स्थापना कर सकती है। राज्य विधानमंडल को पावर नहीं, किसको पावर, ये भी हो सकता है। देखिए आगे आपका अगला देखिए, किसी ऐसे उच्च न्यायालय के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए नियमों प्ररूपों और साधनियों के संबंध में अनुच्छेद 227 में राज्यपाल के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश है जिसमें वे अधीनस्थ न्यायालय स्थित है। इससे भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, और आपका निर्देश का अर्थी लगाना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखा जो भाई अनुच्छेद 232 अनुच्छेद रिपील है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बना है, यही क्वेश्चन आपका, उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस भाग किस अध्याय में, तो आपका जवाब रहेगा अलग से भले लिख दीजिएगा, उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में, लिखिए अलग से भले, ये क्वेश्चन UPSC ने बनाया था, लिखिए इसको। उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान संविधान के, इसको रट कर जाइएगा, रट्टा मारना इसमें समझना नहीं है, संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में आजकल अनुच्छेद पूछा जा रहा है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद, तो आपका अनुच्छेद 214 से लेकर 232 देखिए आपके भी लिखे, अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक में किया गया गलत नोट, 214 से लेकर 232 उच्च न्यायालय। इसके बाद आइए नीचे लिखे संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में, संविधान के UPSC का क्वेश्चन है पिछली बार का, ये बना संविधान के भाग 6 का अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सबॉर्डिनेट जुडिशरी के बारे में प्रावधान किया गया, कहाँ किया गया है, भाग 6 अध्याय 6, ये जरूर याद रखिए, भाग 6 यानी कि पार्ट 6 और चैप्टर भी 6 अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में प्रावधान संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में किया गया। आर्टिकल UPSC में पूछा गया था अनुच्छेद 237 से लेकर 237 233 से लेकर 237 गलत ना हो,
33 से लेकर टू आपका 46। देखिए आपका क्या पूछा गया, यूके देश में भी आया था और बिहार ने भी इस बार क्वेश्चन बना ही दिया था और नीचे 236 से बिहार ने भी बना। जिला न्यायाधीश कहाँ पर नासित है तो खंड वाइज दिया था, जिला न्यायाधीश से दिया था ना
चार पांच मिनट केवल वेद के बारे में क्या हम बता रहे हैं। यदि का मतलब होता है लेख, लेख होता है हिंदी में क्या मतलब लेख मतलब लेख लेख। यदि एक न्यायालय आदेश होता है जिसके तहत किसी कार्य को करने या न करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाए। गरीबों का जन्मदाता आपका इंग्लैंड है और लिखें इंग्लैंड के सम्राट से विशेष रूप से हुई अतहरीकों को प्रोग्रेटिव या विशेषाधिकृत रीके भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये विशेष रूप से किससे जुड़ी है इंग्लैंड के सम्राट। इंग्लैंड के सम्राट को फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है। न्याय का फौहारा यानी कि न्याय का स्रोत। जितने न्यायालय वहाँ न्याय करते हैं वह किसके अथॉरिटी से करते हैं तो आपका इंग्लैंड के सम्राट। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, भारत में राजपथ के अथॉरिटी से नहीं बल्कि संविधान ने दिया है क्या कहो किसको आपका न्यायालय को राजपथ में नहीं दिया। यानी कि हमारे संविधान में आपका कह सकते हैं कि ये इंग्लैंड वाली कहानी नहीं है। यहाँ राजपथ के मने नहीं बल्कि किसको किसने पावर दिया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संविधान में पढ़ ही रहे हैं संविधान में और इंग्लैंड में कुछ लिखा नहीं है जा रहा। इंग्लैंड के जो सम्राट हैं कह सकते हैं कि वे सबसे पहले इस रिट को जारी करने का अधिकार न्यायालयों को प्रदान किए। या सबसे एंशियंट रिट वह है आपका हैबियस का यानी कि बंदी प्रत्यक्षी का जो आपका मैंने अर्णब गोस्वामी के भी मामले में आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि तत्काल इन्हें जेल से क्या किया जाए छोड़ा रिट जारी कर सकता है। कौन सा यानी कि तत्काल छोड़ने के लिए हैबियस का। अब यहाँ जो क्वेश्चन बनता है कि अवैध रूप से अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट किया गया तो यह रिट जारी की जाती है उसको छोड़ने के कौन से रिट आपका हैबियस का। और पिछली बार बिहार में बना कि रूल निसी, तो रूल निसी का मतलब कि इसको का नोटिस और साथ कारण बताओ नोटिस किस रूप से संबंधित है तो वह आपका हैबियस का पहली रिट। इसके बाद चार रिटें और बनती हैं दूसरी रिटें क्यों वारंट क्यों वारंट।